नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार में। इस वक्त हम भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं जवाब लेने के लिए। जवाब लेंगे हम उस बात का जो तेजस्वी यादव ने आज दिन में आरोप लगाया है भाजपा पर कि जात पात में बांट कर और सिर्फ पकोड़ा बेचवाने वाली ये सरकार है। इस पर खास मुद्दे पर प्रकाश डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ निखिल आनंद जी जुड़े हुए हैं भाजपा के। सर, आप लोग जात पात में बांट रहे हैं क्या युवाओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बारे में तेजस्वी को पता ही नहीं। तेजस्वी जी ने अपनी पार्टी की विचारधारा को पहले समझें और कम से कम जो अन्य देश के राजनीतिक दल हैं उनके बारे में भी उनकी समझ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है जी। हमारे आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत जी। और गैर कांग्रेस की सरकार की जो नींव है जी। वो दीनदयाल उपाध्याय जी और राम मनोहर लोहिया जी के का साझा प्रयास था जी। और देखिए, अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्य धारा में लाने की भावना हमारी रही है। सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर हम चलते हैं और जातिवाद की राजनीति करना, क्षेत्रवाद की राजनीति करना और धार्मिक तुष्टिकरण, ये कांग्रेस की का संस्कार है जो अब धीरे धीरे राम मनोहर लोहिया का नाम भूलकर अब समाजवादी लोगों में ये दुर्गुण घुस गया है। नहीं, नहीं, उनका कहना है कि जो MOI समीकरण का टैग लगता है राजद पर, ये टैग उन्होंने नहीं लगवाया है, ये टैग आपने उनको दिया है। देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि कांग्रेस ने देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद की बीज बोई और वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के नाम पर जो कलेक्टिव एक भ्रष्टाचार को लेकर के कॉन्सेंसस बनाया, तो ये उसमें RJD भी भागीदार है कांग्रेस के साथ। और MY टैग, देखिए, ये किसको नहीं पता है कि तरह तरह के नारे, सामाजिक न्याय से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों की गोलबंदी करके गिरोह बना के सिर्फ वोट बैंक लेना, यह निश्चित तौर पर जातिवाद है। अब देखिए कि लालू जी ने, मैं तो तेजस्वी यादव से पूछता हूं कि लालू जी के शासन काल के दौरान 15 सालों में कितनी नौकरियां मिली, उसमें से दलितों को कितनी नौकरी मिली, पिछड़ों को कितनी नौकरी मिली, ये बात किस प्रथम स्तर के, द्वितीय स्तर के, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, कितनी कितनी नौकरियां उन्होंने दी, ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं। क्योंकि सबको पता है कि लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सिर्फ 3 बार BPSC का एग्जाम होता है। एक पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई 15 सालों तक, तो ये सबको पता है। सबको पता है, जिस तरह से निखिलानंद जी ने सारी बातों को रखा, जात पात का जो ये टैग है वो कांग्रेस पर डाल दिया और कांग्रेस इस वक्त राजद के साथ है। अब देखना होगा कि क्या राजद इस वक्त भी संभलेगी, क्या वो कांग्रेस का साथ छोड़ देगी या भाजपा को फिर कुछ पलटवार करेगी। उस पलटवार से भी हम आपको रूबरू रखेंगे। जो है भारत लाइव TV के इस यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद। पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।